नमस्कार दोस्तों, जेगो मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता आज मौजूद हूँ दिल्ली में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं जॉन बारला जी, जिनका पहचान का कोई आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे डुअर्स क्षेत्र, हमारे नॉर्थ बंगाल क्षेत्र के एक नामी दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं, और आज हमारे डुअर्स को एक अलग ही पहचान दिलाने में सक्षम हुए हैं। हमारे लिए आज दिल्ली में मौजूद हैं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री के रूप में जॉन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले जॉन जी, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि पहले लोग केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी अगर कार्य होता है तो केवल मनरेगा के बारे में जानते थे, या इंदिरा आवास जिसे कहते थे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में जाना जाता है, या ग्राम सड़क योजना रूप में जाना जाता है, इस तरह के दो चार स्कीम के माध्यम से जानते थे। आज जो देखा जा रहा है, जो माइनॉरिटी के लिए भी कुछ कार्य किया जा सकता है, वो आज लोगों को जानने को मिल रहा है आपके वजह से। तो आप ये बताएं कि जो आपको एक जिम्मेदारी दिया गया है, एक आपको अल्पसंख्यक का जो राज्य मंत्री बनाया गया है, तो इस के तहत आप क्या क्या कार्य करने के लिए प्लान कर रहे हैं और क्या क्या किया जा सकता है सर? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व दिया है आज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज इस योजना को 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ है, और आज तक हमारे क्षेत्र में, विशेषकर डुअर्स पश्चिम बंगाल में, स्कॉलरशिप छोड़ के बाकी बहुत सारा योजना किताब कलम में केवल तक रह गया है जी। और जिस तरह नीचे स्तर तक पहुंचना चाहिए, उस स्पीड से काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, जानकारी नहीं है इस योजना के बारे में नीचे नीचे तक। इसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट भी थ्रू राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के द्वारा ये सारा ये योजना के बारे में हर क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका एडवर्टाइजमेंट होता है। जिस तरह आज का दिन में उज्ज्वला गैस का आप देखते हैं, हर क्षेत्र में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के गरीब महिला के लिए ये उज्ज्वला गैस मिला है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट हुआ, इसीलिए लोगों ने इसके बारे में जाना, फिर इन्होंने अप्लाई किया और वो आज घर घर तक पहुँचा। तो जिस प्रकार से इस योजना को घर घर तक पहुंचना चाहिए था, उस प्रकार से ये योजना घर घर तक नहीं पहुंचा, कि कारण कि इसका अवेयरनेस, मतलब जानकारी नहीं थे। तो आने वाला दिन में इस सारा योजना, जैसे स्कॉलरशिप है, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है, अपना नया सवेरा है, पढ़ो परदेश है, नई उड़ान है, सीखो और कमाओ उस्ताद है, नई मंजिल है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, नई रोशनी, हमारा धरोधर जय जियो पर फारसी है, वर्कअप मैनेजमेंट है, एडुकेशन डेवलपमेंट स्कीम्स बहुत सारा है, ऐसे बहुत सारा स्कीम्स है इसके अंदर, माइनॉरिटी के अंदर। तो ये अभी तक स्कॉलरशिप छोड़ के बाकी हमारे लोगों को मालूम नहीं है, मैं भी नहीं जानता था जी। जॉन जी, देखा जाता है पश्चिम बंगाल में, खासकर अगर कहा जाए उदाहरण के रूप में, तो लोगों में एक धारणा सी, भूल धारणा कहा जा सकता है, भूल धारणा सी है कि माइनॉरिटी केवल मुस्लिम समुदाय के लिए है। हालांकि माइनॉरिटी काफी बड़ा शब्द है, इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें केवल यही ना बोल रहा हूं मैं, ये आप जो बोले कि माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम है, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, सिख भी है, फारसी भी है, जैन भी है, छह समुदाय को लेके ये
ये कमीशन बना है तो ये मिनिस्ट्री बना है, तो इसमें हाँ लोगों को जानकारी नहीं है। और मैं, मेरा पहला मकसद यही है कि इस योजना के बारे में हर जगह, जिस तरह गैस का, उज्ज्वला गैस का हर तरह पोस्टर लगा, उसी तरह इस योजना के बारे में भी हर गांव-गांव तक, गली-गली तक, पूरा शहर-शहर तक इस योजना के बारे में लोगों तक प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तभी इस योजना का लाभ हमारे लोग ले पाएंगे। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म फिलअप करना है, इनके बारे में जाना है, बहुत सारा ये फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरा नहीं करेंगे तो ये स्कीम हम लाभ नहीं पाएंगे। क्योंकि लोकल स्तर से भी, जैसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी, फारसी जैन, सभी लोगों से प्रपोजल आना चाहिए थ्रू स्टेट, डायरेक्ट सेंट्रल्स भी आ सकता है। और इसके बारे में जब तक नीचे स्तर से अगर प्रपोजल नहीं आएगी, नीचे तब तक नहीं आएगी जब तक वो जानेंगे नहीं। अब हमको ये जानकारी नीचे देना है और नीचे से प्रपोजल आएगी और इस क्षेत्र, इसको हम लोग यहाँ से दिल्ली से थ्रू स्टेट या थ्रू एनजीओ कोई एजेंसी के द्वारा, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा हम लोग इस क्षेत्र, हमारे हर देश के हर कोना में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू डीएम। हाँ, बहुत सारा योजना है, हम लोग इसको करा सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट मकसद है इस योजना के बारे में लोग जन जन तक एडवर्टाइजमेंट का पहले करें और लोगों इसका लाभ, जिस तरह स्कॉलरशिप के बारे में स्कूल को मालूम है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिकम मीन्स बेसिक स्कॉलरशिप, ऐसा है, पढ़ो परदेश, देश विदेश में पढ़ने के लिए हमारे इस पढ़ने के लिए हमें रकम दिया जाता है। महिला सब के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सकता है। हुनर हाट हम लगा सकते हैं, इसमें प्रधानमंत्री जन विकास स्कूल बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकते हैं, आईटीआई सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, बहुत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। उसमें हम लोग इसके द्वारा तो बहुत सारा हमारे युवा युवती को रोजगार का व्यवस्था दे सकते हैं। इसके द्वारा सीखो, कमाओ, हाथ का अपना कला है, देश दुनिया में कितना सारा हमारा कला कृति है, लेकिन हाथ में रह जाता है, इनके पास उस प्रकार का व्यवस्था नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके कारण से ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और हमारा पहला मकसद है ये, हम सभी धर्म गुरु के साथ बैठ रहे हैं, हम मौलवी सबसे भी बैठ रहे हैं, मैं फादर प्रिस्ट सबसे भी बैठ रहा हूँ, मैं बुद्धिस्ट धर्म गुरु के साथ भी बैठ रहा हूँ, हमारे सिख भाई गुरु जी से भी बैठ रहा हूँ, जैन सब लोग आ रहे हैं, फारसी लोग आ रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बुकलेट हम लोग सबके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप इसके अंदर जाइए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद हमारे पास आइए, हमको अप्लाई कीजिए, हम इसको आगे हमारा दफ्तर में बैठ के हम लोग इसको किस तरह हम उस क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री इतना बड़ा दायित्व दिया है और ये केवल कागज़ कलम में है और इसको हम हकीकत जनता तक हम इसको पहुँचाएंगे, यही मेरा मकसद है। जॉन जी, देखा गया था कुछ दिन पहले आप भारत भूटान सीमा क्षेत्र में दौरा पे गए थे, साथ में कुछ दिन पहले आप कश्मीर भी गए थे, काफ़ी जगहों पे, काफ़ी राज्यों में आप भ्रमण कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पे पहले से ही स्कूल मौजूद है या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कम्युनिटी जो आप बोल रहे हैं माइनॉरिटी के, तो उनको किस तरह से फंडिंग, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये कुछ कुछ कम्युनिटी का है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, बुद्धिस्ट का है, मुस्लिम का है, ऐसे है जमीन, उस जमीन में हम लोग स्कूल बना सकते हैं, फिर हॉस्टल भी बना सकते हैं, जिसमें हॉस्टल भी हम बच्चों को, ऐसा कोई आपके पास प्रपोजल आया है? हाँ, बहुत सारा आया है, अभी हम लोग इसको बैठ के हम लोग तय कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या प्रपोजल आया है, उसको तय करके हम लोग रिसेंटली महीना दो महीना के अंदर हम लोग सब
जो जो आ रहा है उसको तो कर ही रहे हैं, जो पेंडिंग है इशू उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इतना दिन से काम हो रहा है, कुछ कुछ जगह काम हो रहा है, कुछ पेंडिंग इशू है उसको लेके काम कर रहे हैं। और हम कश्मीर भी गए थे तो वहाँ पर भी कश्मीर, क्योंकि इतना सालों तक तो 75 साल तो कुछ ना कुछ देश झेल रही थी, लेकिन 75 साल के बाद में 370 ये बिल पास होने के बाद में अभी 3-tier पंचायत भी हो गया वहाँ पर, तो इससे काफ़ी वहाँ के लोगों का ऊपर काफ़ी आशा और भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग उस क्षेत्र में गए थे और विजिट भी किए, और लगता था यहाँ से बैठ के लगता था कि कश्मीर देखने में और सुनने में, हम लोग टीवी में देखते थे, सुनते थे, पेपर में पढ़ते थे, कश्मीर इतना हुआ आतंकवाद, कभी इधर से ग्रेनेड, कभी इधर कुछ कुछ बम ब्लास्ट होता था, ये हम लोग खाली सुनते थे। लेकिन आज का दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है 370 और 35 होने के बाद में अभी कितना शांत माहौल है, हमने गया तो नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा खुशी महसूस हो रही है। वहाँ के लोगों जितने भी पॉलिटिकल पार्टी आए बैठे उनका डिमांड सब बहुत सारा, इतना सालों 75 साल का पेंडिंग डिमांड सब है, केवल लड़ाई है ना ये था। लेकिन आज का दिन में मैं गया, मुझे इतना खुशी हुई, 4 दिन में था, लेकिन अब 4 दिन में हमें लोगों से मिल के लगा कि ना कश्मीर तो बाहर से देखते हैं बहुत अजीब, लेकिन वहाँ जाने के बाद में लेगा तो कितना आनंद है, सच में स्वर्ग है कश्मीर। और वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं। अभी भी बहुत सारा भारत के प्रधानमंत्री के जो योजना सब बनाई गई है उस योजना अभी तक जन जन तक नहीं पहुंचा है, तो आने वाला दिन हमारा जब दायित्व मिला है 99% वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे जी। मुस्लिम समुदाय के हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए इस योजना को हम घर घर तक पहुंचाएंगे और तुरंत हम फिर से और दोबारा हम कश्मीर जाएंगे वहाँ के, और जम्मू में भी जाएंगे, राज्य के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे और इस योजना को हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हम कर पाएंगे। जी जॉन जी, अब आपसे कुछ विशेष लोकल रीजन के कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे जॉन जी, और इसमें नकारा नहीं जा सकता, ये दुनिया को सारे विश्व को पता है कि अगर स्वर्ग है तो हमारे भारत के कश्मीर में है। तो आशा यही करते हैं कि और भी बेहतरीन वहाँ पे कार्य होगा आपके सरकार के माध्यम से। फिलहाल हम जाना चाहेंगे लोकल क्षेत्र, हमारे डुअर्स जयगांव क्षेत्र के कुछ मुद्दों को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे। सर, कुछ दिन पहले भूटान के एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था कि जिसमें कहा जा रहा है कि भूटान का जो बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसको इंडियंस लोग एक्सट्रोशन मनी मांग रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, जिसमें SSB का इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया जा रहा था, कुछ ट्रेडर्स के बारे में बताया जा रहा था, कस्टम विभाग के ऊपर भी उंगली उठाया जा रहा था, साथ में जर्नलिस्ट लोगों के ऊपर भी उंगली उठाया जा रहा था कि ये एक सिंडिकेट सा चल रहा है, सब भूटनीस लोगों को एक्सट्रोशन कर रहे हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस विषय में ये हमारे भूटान और इंडिया में जो हमारा मित्रता है और जिस प्रकार से हमने भी सुना है, ये मीडिया में ऐसा कुछ निकला है, लेकिन इस प्रकार से लिखना या इस पेपर मीडिया में देना ठीक बात नहीं है। हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है भूटान और इंडिया में, तो ये चीज़ हमारे लिए क्षति है और इस प्रकार से दोबारा ना हो। और ऐसा बात नहीं है कि आज ये दिन जो सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ये कोविड के चलते ही सब कारण कोविड के कारण, ये तो प्रकृति का पूरा दुनिया का ये दिन सभी ने ये झेल रहा है।
तो ये सुनने को मिल रहा है, इसीलिए ये जिस दिन अगर कोविड हमारा दुनिया से बोलेंगे हमारा क्षेत्र और पूरा इंडिया में अगर कोविड से अगर मुक्ति मिल जाती है तो आने वाला दिन ये सुनने को ना देखने को ना लिखने को हमें नहीं मिलेगी। इसका समस्या का समाधान यही है, जो भी अभी अनबन हो रही है और आपस में दो बात चार बातें हो रही है एक दूसरे में नोक झोंक हो रही है, ये कोविड के कारण से ही हुआ है। और ये ज़्यादा दिन तक, अब तो इतना दिन तो करीबन एक डेढ़ साल तक तो हम लोग ने वो भूटान भी झेल रहा है और हमारे इंडिया भी झेल रहा है, विशेषकर जयगांव वासी बिजनेसमैन और वहाँ के साधारण लोग जो डेली रोजगार करते हैं उनका अवस्था बहुत ही ख़राब है, दुखद है, दुखी हूँ इसके लेके। हमें बहुत खेद है और मैं सोचता हूँ जल्दी से जल्दी इसको लेके हमारे समस्या का समाधान हो। और जब तक जब हम मेरा दफ्तर में आए थे हमारे भूटान के एम्बेसी तो उनसे बैठे थे तो उन्होंने भी यही बात कहा कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, ऐसे बात नहीं है, हमारा भी क्षति हो रहा है, दिल्ली का हमारा कितना कितना करोड़ करोड़ नुकसान हो रहा है, जो हमारा रेवेन्यू जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आदान प्रदान नहीं हो रहा है जिस प्रकार से पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। तो कुछ समय लगेगा कोविड के कारण ही, वो सारा बात बताया कि कोविड के कारण ही जिस दिन, क्योंकि भूटान में अभी कोविड नहीं है, अभी इंडिया का वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ का भी वैक्सीन कुछ 95% कम बाकी अभी भी बाकी है, ये पूरी तरह कोविड का वैक्सीन अगर पूरा हो जाएगा और इससे मुक्ति मिल जाए तो फिर से जैसे सामान्य पहले हम लोग चल रहे थे तो उसी तरह हम लोग भी आगे आगामी दिन भी चलेंगे जी। और हमारा बातचीत हो रही है, ऐसे बात नहीं है हम जयगांव के लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, भूटान के लोगों बिजनेसमैन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है, मैं लगा हुआ हूँ जी जी। और जब जब ये कुछ कुछ बातें होती है तो मैं ज़रूर आपका ये जो जिन्होंने आप बता रहे थे कि नहीं पेपर में इस प्रकार से उठाए उसको फिर से मैं भूटान गवर्नमेंट से मैं बात करूँगा और इसको लेके मैं जल्दी फिर से एक बार उनसे भी बैठना चाहूँगा जी। जॉन जी जैसा एम्बेसडर से मैं फिर से बात करूँगा कि ऐसा थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ये कंट्रोवर्सी ना हो, पेपर मीडिया ना हो, इस प्रकार से लोगों में विभ्रांत ना हो जी। लोगों एक दूसरे का जो देश में जो मित्रता है ये मित्रता बनी रहे जिसके कारण से हमारा रिलेशन खराब ना हो जी। और जयगांव के लोगों के लिए मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कुछ धीरज, क्योंकि आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं और भूटान भी झेल रहा है, कोविड तो सभी घर घर में झेल रहे हैं, इसे ऐसा डरा हुआ है, इसलिए चलिए समय आएगी। जॉन जी कोरोना काल के समय में लगभग डेढ़ साल का समय बीत चुका है, इस समय में भी कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि भारत सरकार द्वारा किसी तरह से भी भूटान मित्र देश को जो भी समस्याएं थी उनके जो भी ज़रूरतें थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई, क्योंकि भूटान क्योंकि लैंडलॉक्ड एरिया है और भारत हमेशा से ये ध्यान दिया है कि भूटान की जो भी ज़रूरतें हैं कोरोना काल लॉकडाउन के समय में भी दिया गया है, पहुँचाया गया है, लेकिन इस समय ऐसा समय में इस तरह का भूटान में न्यूज़पेपर में आना सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में जर्नलिस्ट और एसएसबी जो कि संवैधानिक रूप से कार्य करती है, निष्पक्ष होकर कार्य करती है, उनके ऊपर में आरोप लगाना भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमें लगा था, इसीलिए आपसे ये सवाल हम लोगों ने रखा था। सर आपसे अंतिम एक सवाल करते निकलेंगे, काफ़ी सारे मीडिया में इस तरह के लोकल मीडियाज़ में इस तरह के फोटोज़ आती हैं,
कमेंट्स आती हैं कि जल्द भूटान गेट खुलने वाला है, आधिकारिक घोषणा होने वाली है, इस तरह की काफ़ी स्टेट्समैन देखा जाता है सर। तो आप ये अपने तरफ से बताएं कि लास्ट टाइम आपका जो एम्बेसी के साथ जब आपका बात हुआ था तो उसमें क्या निचोड़ निकला था कि कब तक हो सकता है, क्या वहाँ से? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं जितना जल्द हो सके खुल जाए जी, लेकिन इसमें हमें भी हाथ बटाना पड़ेगा, विशेषकर कोविड वैक्सीन, ये कम से कम हमारे जयगांव के लोगों, और यहाँ तो बिजनेस करने कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ बिहार से आते हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कोई बांग्लादेश बॉर्डर से आते हैं, तो सबका जिस दिन ये चीज़ हम लोग मुक्ति पा जाएंगे ना, वैक्सीन सबका हो जाएगा, देश के एकदम 100% वैक्सीन हो जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि देर होगा। और हमने जब बात किया हमारे एम्बेसडर, भूटान के एम्बेसडर से, तो यही बात हुआ है कि जिस दिन वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग दोनों देश बैठ के फिर से इसको हम लोग खोला जाएंगे। जी, मेरा उनका भी मानसा नहीं है कि हम इसको बंद ही रखें, क्योंकि हमारा भी रेवेन्यू हर दिन कितना कितना लाखों लाखों करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, गाड़ी आज ही जो हमारे जो लोन में लिए हैं गाड़ी, उनको हमें टैक्स फ्री देना पड़ रहा है, उनको है ना, हमें देना पड़ रहा है, तो ये आज हमें देना पड़ रहा है, कल वो देंगे, तो ये भी तो हम झेल रहे हैं, भूटान का कहना है। तो हम चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जल्दी से जल्दी जाएगा, उस क्षेत्र से लोग कम से कम इस वैक्सीन को लगाए और पूरा करें। और इसमें हमारे प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ, लोकल प्रशासन, लोकल हेल्थ सेंटर, जल्दी से जल्दी, चाहे वो जलपाईगुड़ी डीएम हो, चाहे अलीपुर डीएम हो, चाहे कुछ बिहार डीएम, जल्दी से जल्दी इसका पूर्ति किया जाए, जिसके कारण से लोग फिर से आदान प्रदान करेंगे, बेरोजगार जो बिजनेसमैन हैं और जो डेली कमाते हैं खाते हैं, वो तो भूटान में जाके हजारों लोग वहाँ जाके अपना रोजगार रोजी रोटी चलाते हैं, ये सब ठप पड़ा हुआ है। जी सर, और जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, तो जनता आशा कर सकती है कि वो दिन दूर नहीं है जब फिर से भूटान और भारत के लोग पहले जैसे मिल सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे, आने वाला दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ये आशा करते हुए हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे। और सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। और एक बात करना चाहता हूँ, जी सर, भारत के प्रधानमंत्री जी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं जी, देश के हर कोना में, और दूसरों देश को भी दे रहे हैं जी, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और कम से कम इसमें भारत के प्रधानमंत्री को हाथ बटाना चाहिए सब वैक्सीन लगा के। जी, तो सर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे चैनल के लिए धन्यवाद। इसी तरह से दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। New Kalimpong stores, deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.